बड़ी खबर आ रही है 6 फरवरी 2023 के राशिफल को लेकर। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सप्ताह के पहले दिन नए काम में व्यस्तता बढ़ेगी, साथ ही भाग दौड़ की स्थिति भी बनेगी। किसी संबंधी अथवा खुद की अस्वस्थता से परेशानी हो सकती है। साथ ही मेष राशि को लेकर कहा गया है कि राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आज अच्छा समय है, आपके अंदर की छुपी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। वहीं वृषभ राशि वालों को लेकर ये कहा गया है कि आज घर गृहस्थी का वातावरण अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ससुराल पक्ष का तनाव उपस्थित हो सकता है। हालांकि भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और कहीं तीर्थ यात्रा पे जाने का प्लान बना सकते हैं। मित्रों के साथ मन की शांति के साथ साथ खुशी का एहसास होगा। वहीं मिथुन राशि वालों को लेकर ये कहा गया है कि आज सोमवार को लव लाइफ में किसी वजह से पार्टनर से दूरी हो सकती है, इनसे संबंधित मामलों को फैसले वाले मोड़ पे लाने की आवश्यकता नहीं है, आत्मविश्वास की कमी बनेगी। साथ ही मिथुन राशि वालों को लेकर ये कहा गया है कि आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़ सकते हैं, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। वहीं कर्क राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज भाई बहन बंधु बांधव से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा। नौकरी पेशा वालों का आज ऑफिस में सहकर्मियों यानी के साथ में काम करने वालों के साथ कुछ परेशानी हो सकती है। साथ ही कर्क राशि वालों को लेकर ये कहा गया है कि माता का साथ मिलने से आपको राहत मिलेगी और कामों में मदद भी। साथ ही कहा गया है बच्चों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। वहीं सिंह राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सप्ताह के पहले दिन कुछ महत्वपूर्ण कामों को लेकर परेशानी हो सकती है, इन समस्याओं को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी, इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें और सेहत का ध्यान रखें। वहीं कन्या राशि को लेकर कहा गया है कि आज सोमवार का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा, व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी, साथ ही व्यापारिक मामलों के लिए छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। साथ ही कन्या राशि को लेकर कहा गया है कि समाज में आपके उत्थान के लिए समय अनुकूल है। वहीं तुला राशि को लेकर कहा गया है कि आज भवन या भूमि की खरीदारी के लिए समय अच्छा है, साथ ही कहा गया खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है। साथ ही तुला राशि वालों को लेकर ये भी कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए शब्दों का चयन सही से करें यानी कि बातचीत सही से करें और तनाव वाले काम से दूर रहें। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए कहा गया है कि आज आपकी परिस्थितियों में यानी कि हालात में बदलाव शुरू होगा, ऐसा लगेगा सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही कहा गया विदेश यात्रा पे जाने का योग बन रहा है, छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानी आ सकती है। वहीं धनु राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सोमवार को सप्ताह के पहले दिन दूसरों के मामले में ज्यादा दखल देने से बचें, अन्यथा मान हानि तथा अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कहा गया है निजी तथा प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाने की कोशिश करें, परिवार का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा। वहीं मकर राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज घरेलू जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है, तनाव बढ़ सकता है, गृहस्थी जीवन में परेशानियों का अनुभव हो सकता है, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद भी ना लगाएं। वहीं कुंभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज आपके खर्चे कम होंगे जिससे आपका मन शांति का अनुभव करेगा, लेकिन संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं लगी रहेंगी, घर में किसी मेहमान के आने से मन प्रसन्न रहेगा। वहीं मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन संचय के मामले में सफलता मिलेगी, साथ ही में सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सोमवार को नए लोगों से मुलाकात होगी। तो दोस्तों ये पूरा राशिफल था NBT की तरफ से जो टैरो कार्ड के अनुसार बताया गया है। हम आपको राशिफल की ये जानकारी केवल खबर के तौर पे देते हैं क्योंकि इसमें कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग विश्वास नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।